एक बादशाह सी उन्हां समय ते, उहदा नाम सी सागड़। सागड़ बादशाह ने करी अर्ज किहनूं भला, देव दे जनरेशन नूं। जनरेशन किहड़ा है, ये भी आपां नूं पता लगना चाहिए। वर्मा जी ऑब्जरवेशन विष्णु भगवान जी अपन पालन का कर्म। एक हैगा डिस्ट्राए जी शिव जी महाराज, वी शंकर कह गया अंग्रेजी च डिस्ट्राए। उन्हें की किया, ओदा तप करिया जनरेशन साहब वर्मा जी। तप करके उन्होंने की मंगिया भला, वह कहना जी मेरी लड़की हो जाए 60,000। पर वर्मा जी तो टप दे मुंडे मंग दिता गया। बर जिमें बड़ा मुंडा सनक लैन गया सी, बर की तो वर्मा जी तो अपने पिता जी, वो कहना पिता जी मैं शादी करवानी है, मेरी शादी करोगे? वर्मा जी थोड़ा जहा गुस्से हो गए, भी पिता तो यह गल मंगनी चाहिए। वो कहना जा बई शादी तेरी हो जूगी, पर पुत्र तेनू 4 साल पहला मिलूगा जनानी बाद। इस गलते मोहर लगी हुई है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की। गुरु जी कहिंदे पहले पूत पछेरी माई। एक किते हो सकता है भी पुत्र पहला प्राप्त हो जाए जनानी बाद च हो? बेल होवे ना तो अपना सब्जी भाजी पहला तोड़ ली हो सकता? नहीं हुंदा। पर भगवान करे करावे आपे आप माल मान सके ना ही कुछ। ओली बहुत लंबे चौड़े हथ ने, सतगुर मेरा मार जबल है, सतगुर मेरा सर्व प्रतपल है। नासकेत ऋषि की कथा कदे मैं फिर सुना तुहानू। आ गल सुनो बई, सागड़ बादशाह दा परन पूरा करता भगवान ने जनरेशन जी, उहनू 60,000 पुत्र बख्शता। हुण जदों 60,000 पुत हो गया, हुण घर दी फौज बन गई लैणा, कितों ना सिपाही भर्ती करना पिया, ना कमांडर इन चीफ ना लैणा। वो जिहड़े पुत सी 60,000 जदों जवान हो गए, जवानी आई, सारे ने नेजेबाजी तीर तलवार होर वगैरह जंग की ट्रेनिंग करनी, घर की फौज तैयार करनी। उन्होंने हो गया हंकार ज्यादा भी साढ़े ना बली कड़ा। भगवान को चंगा नहीं लगता ये काम हंकार। हर जियो हंकार ना भावे, वेद कूक पकारे। चारे वेद कहते हैं भी कोई बंदा दुनिया से पैदा होकर हंकार ना करो, ये खात्मे की नहीं है, वंश खत्म होंगे हंकारी बंदे। उन्होंने कर लिया हंकार, भगवान ने यह गल भाई नहीं। महाराज ने कल्याण स्वरूप वाहिगुरु जी कहते नारद मुनि जी, वो कहते नारद ये ऋषि अपना राजे के पुत हंकार के नहीं लगी हीला करिए। कहना जी हीला की करना, कपिल मुनि जी बैठे जाते रहना समुद्र के किनारे, आप कर दें लाज। भगवान ने की कर हंकारिया तो असबमेध जागर जाता, जब असबमेध जागर गया घोड़ा छड़ता श्याम करन। नारद जी ने उठा के घोड़ा कपिल मुनि बैठे से युग भर दे पछया, ओदी कुड़िया जा बन्या पिछले पासे। हुण जदों कुड़िया जा बन्या, ये हंकारी पुरश के राजे के पुत्र, इन्हां ने फटाफट मां के पुत्तां ने की करिया घोड़े की भाल शुरू करती, किते ना मिले धरती पुठी करनी शुरू करती। हंकारी साजू उन्हें की करिया, जब अगे कुटिया आई ना कपिल मुनि जी की, उत्थे घोड़ा पिछले पासे बन्या खड़िया। ऋषि महारिषि अपनी बंदगी बैठे भगवान नाल लिवड़ गए, 10वें द्वार सुहास चढ़े। उन्होंने कोई पता ना, ना घोड़े का, ना राजे के पुत्रां का, ना मतलब कल्ले नारद नूं पता जां अकाल पुरख नूं पता। जब घोड़ा वेख्या हंकारी जाके कहिंदे ओए साधा गल सुन, तेनूं आए नहीं पता भी घोड़ा किहदा है? मत्थे ते पटा नहीं पड़िया कि चल लुकोया साडा घोड़ा? हुण घोड़ा तां चक के धरिया सी नारद जी ने, महारिषि कपिल मुनि नूं कोई पता ना। उन्हें हंकारी राजे दे, क्योंकि दस्या ना भी राजो नरक मिलते,
पहला तो तप करना पैंदा फिर राज मिलदा। तपो राज राजो नरक। जिहड़ा राज भाग है बादशाही दा नशा गद्दी दा, जिवें हुण मोदी नूं हो रहा, ये गद्दी दा नशा इहो जिहा बंदा दुनिया नूं ते रब नूं भुल्ले जांदा भी मैं ही हां जिहड़ा कुछ हैगा। ओ राजे दे लड़के सकड़दियां ने की कीता, महारिषि कपिल मुनि जी दियां फड़ के ना जटा एक थप्पड़ उधर मारिया, एक हुण उहदी लगी हुई सी समाधि अकाल पुरख नाल।